नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी और हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस की गिरफ्त से जान बचाकर निकले हरजीत मसीह ने बीते दिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उन सभी दावों को झुठला दिया जिसमें उन्होंने अगवा हुए 39 भारतीयों के सुरक्षित होने की बात कही थी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आईएसआईएस की दरिंदगी की कहानी सुनाते हुए हरजीत ने बताया कि आतंकियों ने उन सभी 39 भारतीयों को मार दिया है जिन्हें इराक के मोसुल शहर से अगवा किया था। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ श्याम जाजू जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं वो जुड़ेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस नेता ज्योति सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लखनऊ से हमारे साथ रजा रिजवी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। 39 भारतीयों की मौत पर सवाल, आईएसआईएस ने ली है उनकी जान या अभी भी चल रही है उनकी सांसें? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोल रही है सच या आईएसआईएस के चंगुल से भागे मसीह के दावे में है सच्चाई? कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ? तो दुनिया को अपनी क्रूरता और दरिंदगी से खौफजदा करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के चुंगल से निकले हरजीत मसीह ने सुषमा स्वराज के जो दावे थे उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हरजीत का कहना है कि आईएसआईएस के जो आतंकियों ने अगवा किए 39 भारतीयों को मार दिया है, लेकिन सुषमा ने हरजीत के दावों से इनकार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया में अपनी दरिंदगी के लिए जाने जाने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के चंगुल से जान बचाकर भागे हरजीत मसीह ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें स्वराज ने इराक में 39 भारतीयों के जिंदा होने की बात कही थी। मसीह ने दावा किया है कि 39 भारतीयों को उसकी आंखों के सामने आईएसआईएस के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या से पहले उन्हें उनकी फैक्ट्री से अलग किया गया था। सुनते हैं मसीह की जुबानी। जब वो लेके जा रहे थे तो गड्डी बिल्कुल बंद थी, हमारी सांस लेने की भी कोई भी जगह नहीं थी बीच में। तो हम बीच में थे, हमारी सांस नहीं आ रही, हमने गाड़ी को खड़काया पुलिस से भी खोल दो अभी हमारा सांस नहीं आ रहा। उन्होंने लेकिन हमारी कोई बात भी नहीं सुनी, वो अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं। उन्होंने कम से कम हमें 25-20 मिनट गाड़ी में रखा, हो सकता आधा घंटा भी हो, पता नहीं चला कुछ। तो उन्होंने फिर जाकर हमें एक पहाड़ था वहाँ जाकर उन्होंने उतार दिया। जब उन्होंने हमें वहाँ उतारा तो बोला जहाँ लैंप पे खड़े हो जाओ, ना जी नहीं बांग्लादेशी को उन्होंने वहीं छोड़ दिया जहाँ से हमें उठाया था। वो बोले इंडिया को पहले छोड़ के आएंगे और बांग्लादेशी को बाद में छोड़ के आएंगे, बोले तुमको छोड़ के आना है। जब उन्होंने हमें वहाँ से खड़ा किया पहाड़ों में, बोले ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास है तुम्हारे पैसे और मोबाइल हमें दे दो। हमारे पास जो पैसे थे हमने उनको दे दिए, जो एक दो महीने की तनख्वाह मिली थी तो हमारे पास थी तो हमने उसको दे दी और मोबाइल भी उनको दे दिया। तो फिर हम बोले अब नीचे बैठ जाओ, उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया और उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें छूट कर दिया। हरजीत के आंखों देखी इस घटना के विवरण पर विदेश मंत्रालय यकीन नहीं कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने सूत्रों के हवाले से उन 39 भारतीयों के सही सलामत होने का दावा कर रही है और इराक में अब तक लापता 39 भारतीयों के परिवार वालों को सांत्वना दिया जा रहा है। आईएसआईएस के चंगुल से भाग कर आए हरजीत मसीह भारतीय मीडिया के सामने आने से पहले 3 महीने तक सरकार के सुरक्षित पनाह में था। मसीह के डिटेन करने के सवाल पर सरकार का कहना है कि उसे डिटेन नहीं बल्कि 3 महीने तक प्रोटेक्शन में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। तो
आखिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर इराक में फंसे वो 39 भारतीय कहाँ हैं और हैं भी तो सुरक्षित हैं या नहीं। सबसे पहले मैं ज्योति सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ये कहना है कि हमारे पास 8 सोर्सेज हैं जिनका कहना है कि जो 39 भारतीय हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन क्या फिर जो स्थिति है अभी तक वो स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इस देश के सारे लोग 125 करोड़ जो हमारी जनता है, जो सुषमा स्वराज जी कह रही हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो बात सही हो जाए जी। वो बात बिल्कुल सही निकले और हमारे जितने भारतीय मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो वापस अपने घर अपने वतन आ जाएं, अपने परिवार के पास आ जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे विदेश मंत्री आज एक साल होने को चला है, ये 11 जून लास्ट ईयर की ये घटना है और अभी तक हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या मंत्रालय की तरफ से कोई खबर नहीं मिल पा रहा है जिससे कि हमारे देश में जो 39 और 40 जितने हमारे मजदूर थे उनके परिवार को ये सांत्वना मिल पाए, उनको विश्वास मिल पाए, 125 करोड़ जनता को विश्वास मिल पाए कि जो लोग वहां पर थे वो वहां सुरक्षित हैं। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं आ पा रहा है और केवल गुमराह करने वाली जो बातें हैं। ज्योति जी, अभी विदेश मंत्री सरकार की तरफ से, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जो 39 व्यक्ति जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उनके परिवार वालों को लगातार सांत्वना दिया जा रहा है कि उनके जो भाई बंधु जो वहां इराक में फंसे हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन लापता स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि वो सुरक्षित हैं और जिंदा हैं, ये चीज तो आप नहीं कह सकते कि उन्होंने, मामला भी आज जो हम यहाँ बैठे हैं वो इसी बात को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि आखिर ऑफिशियल स्टेटस किसकी बात मानी जाए। एक चश्मदीद जिसकी आंखों में, जो कि दावा कर रहा है कि हमारी आंखों के सामने 39 या 40 जो भी भारतीय हैं उनको गोली मारी गई, दूसरा जो विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो सुरक्षित है, आखिर किन की बातों पर यकीन किया जाए, इसी बात का सवाल है। और अगर हम किसी की बात पर यकीन करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके परिवार वालों को ये यकीन दिलाना होगा कि हम सही बोल रहे हैं या दूसरा जो मसीह वहां से लौट के आया है वो सही बोल रहा है। आप देखें, आप जो ये बात कह रहे हैं सांत्वना देने की बात, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं हमारे और आपके परिवार के किसी, इस देश के किसी परिवार का लोग बाहर काम करता है तो एक साल से आप संतावना दे रहे 11 महीने से, आखिर हम किस बात पर मानेंगे? हमें तो उस संतावना का कोई प्रूफ भी नहीं है। आप केवल ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज हैं, जिसके आधार पर हमको लग रहा है कि वो जिंदा है। हम तो कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी की ये बात 100% नहीं 500% सही निकले और हमारे देश के जो लोग बाहर गए हैं अपने वतन अपने परिवार के पास आ जाएं। लेकिन जो सांत्वना और जिस आधार पर जो 8 सूत्रों की ये बात कर रहे हैं उसका भी कोई खुलासा नहीं है। बिल्कुल, उस पर 8 सूत्रों का खुलासा नहीं है। 8 सूत्र जो सुषमा स्वराज जी कह रही हैं उन्हें स्पष्ट करें बीजेपी। श्याम जाजू जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस नेताओं के विदेश नीति के बारे में जब बयान आते हैं तो हास्यास्पद लगते हैं। जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है तो देश के विदेश नीति को एक नया उच्चांक प्रस्तापित किया है। एक साल के अंदर 100 से ज्यादा देशों से हमारा डायरेक्ट संपर्क हुआ है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री वहां तक जाकर आए हैं। आज तक कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में नेपाल में 17 वर्षों से कोई गया नहीं था। श्याम जाजू जी, अभी समय 28 साल से कोई गया नहीं था। श्याम जाजू जी, अभी सवाल आप जो कह रहे हैं उससे हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। कोई गया नहीं था, बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं श्याम जाजू जी। लेकिन सवाल आज ये है, जो बयान दिया है, सवाल आज ये है श्याम जाजू जी की इराक में आईएसआईएस के चंगुल में जनता का उस पर भरोसा है। श्याम राजू जी, आज सवाल यह है कि इराक में आईएसआईएस के चंगुल में जो 39 भारतीय फंसे हुए हैं वो जिंदा हैं या जिंदा नहीं है, इसको लेकर के सवाल है। और चिंता हमारी यही है कि आखिर उनका ऑफिशियल स्टेटस क्या है और ऑफिशियल स्टेटस पे ही तकरार हो रही है। जो हमारे कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता ज्योति सिंह जी हैं वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सीधा आपसे। जी ज्योति जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी बहस कुछ और हो रही है, आज का मुद्दा कुछ और है। आप बात कर रहे हैं विदेश नीति, अब अगर आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं तो मैं आपको हाल ज्योति जी, मैं ज्योति के बात का मुझे जवाब देने दें। आप श्याम जाजू जी के पास जाएंगे। श्याम जाजू जी, आप बताएं कि सुषमा स्वराज और जो मसीह वहां से बच के आए दोनों के बयानों में
कंट्राडिक्शन है। एक जो मसीह है उनका कहना है कि उनकी आंखों के सामने में जो है गोली मारी गई, आतंकियों ने गोली मार दिया था, जबकि सुषमा स्वराज जी का बयान है कि वो अभी सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। कौन सी बात पे यकीन करें हम? कांग्रेस वालों का भरोसा रहे या ना रहे, इस देश की जनता का भरोसा सुषमा जी पर है जी, नरेंद्र मोदी जी पर है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी, विदेशों में बसे हुए भारतीयों की कोई सूद लेने वाला नेतृत्व भारत में प्रस्तापित है और सबका सीना गर्व से फूलता है कि कोई तो भी हमारी सूद लेने वाला आदमी हिंदुस्तान में हमारी चिंता कर रहा है। भारत की जनता सुषमा स्वराज पर विश्वास करे या वो जो आदमी आया उस पर विश्वास करे, आपसे ये सवाल है, आप इसका जवाब दें। बात को भटकाएं ना आप। कदम उठाकर उनके सिक्योरिटी के लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाए। इस सरकार को स्थापित होने के बाद 8 दिन के बाद यूक्रेन में 1000 छात्रों को हमने सुरक्षित इस देश में लाया है। श्याम जादव जी, आपकी आप जो दावा आप जो कह रहे हैं सबको पता है, सबको पता है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा डिस्कशन श्याम जादव जी आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी झूठ कह रही है या मसीह काम है इस देश के लोगों को तो लाया ही। बिल्कुल श्याम जी, चलिए सुन लेते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। बिल्कुल सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, माफ कीजिएगा श्याम जी, सुन लेते हैं सुषमा स्वराज ने क्या कुछ बयान दिया था, वो सुनवाते हैं आपको। उन 40 लोगों में से एक व्यक्ति जो निकलकर भागा था, जिसका नाम हरजीत मसीह है, उसके हवाले से बार बार ये खबर आ जाती है कि वो मारे गए थे, क्योंकि पहले दिन से वो ये बात कह रहा है कि वो मारे गए थे, वो बचकर निकल गया, मगर उन 39 की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पहले दिन से ही मैं उसके बयान पर यकीन नहीं कर रही हूँ और इसीलिए उनकी तलाश मैं कर रही हूँ। और जगह जगह जैसे खाड़ी के सारे देश थे, सारे देश के विदेश मंत्रियों से भी मैंने बात की, उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी मैंने बात की, इसी तरह बाकी भी और देश जो जो हमारी मदद कर सकते हैं उनसे सबसे मैं बात कर रही हूँ। पिछले सत्र तक मेरे पास 6 सोर्सेस थे जिनके माध्यम से ये पता लग रहा था कि वो जिंदा हैं। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी हेलो जी, मेरा नाम संजय शर्मा है। सुषमा स्वराज जी ने जो कल बयान दिया है और हरजीत ने बयान दिया है, दोनों के दोनों विरोधाभासी हैं एक दूसरे से। हरजीत कह रहा है कि 39 लोग जो भारतीय बंधक बनाए गए थे उनको उसके सामने गोली मारी गई है और मार दिया गया उनको जी। लेकिन सुषमा स्वराज जी कह रही हैं कि उनके सूत्र के हिसाब से अभी तक कोई खबर नहीं आई है जी। तो इतने समय से बंधक बना के रखा हुआ है जब उनको भारतीयों को, तो अभी तक इनके पास कोई खबर नहीं है, सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, ना लोगों को बताने के लिए, ना उनके परिवार वालों को बताने के लिए। कम से कम इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं तो उनको पॉजिटिव स्टैंड लेना पड़ेगा जी। अगर हरजीत कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर भी स्टैंड उनको क्लियर लेना पड़ेगा। खाली ये बोल देने से कि नहीं पता या पता कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा जी। बिल्कुल, इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी भी जुड़े हुए हैं। रिजवी जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ये कहते हैं कि हमारे 8 सोर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि जो 39 भारतीय हैं वो सुरक्षित है, लेकिन वहीं जो दूसरा चश्मदीद गवाह है उसका कहना है कि सभी को मार दिया गया है। कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों बयानों में। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि इस बिंदु पर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। 40 जो है वो भारतीय बंधक बनाए गए थे जिसमें हरजीत मसीह जो है वो किसी तरीके से बच के निकल आए जी, और 39 लोग जो है यशवंत मान ने जो है मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरजीत को वहां पर बैठाल करके सबके सामने प्रेस के सामने पूरा बयान हरजीत का आया कि साहब ऐसा है मैं तो बच के चला आया, लेकिन मेरी आंखों के सामने 39 लोग जो है वो मार डाले गए जी। अब ये जून का मामला है और आईएस जो है किसी को बंधक बना करके, हमें लगता है कि लगभग साल भर 11 महीने तक वो बंधक बना के खाना देगा, रोटी देगा, पानी देगा, ये हमारी बात समझ में नहीं आती है। अब बात यही आकर के फंसती है कि या सुषमा जी सही बोल रही हैं हमारी विदेश मंत्री, या हरजिंदर मसीह सही बोल रहा है, इन दोनों के बीच में आम जनता को और पूरे भारतीयों को ये समझना पड़ेगा और इसमें से निकालना पड़ेगा। रिजवी साहब, रिजवी साहब, यहाँ एक सवाल जिंदा है कि नहीं जिंदा है। रिजवी साहब, एक लोग तो पूरा देश ये चाहता है, जैसा बयान सब के आ रहे हैं, पूरा देश चाहता है कि अल्लाह ताला वो 39 लोगों को जिंदा रखे और हिफाजत से रखे, लेकिन हमें ये लगता है कि जो ये आईएस के लोग हैं
ये लगभग 11 महीने एक साल तक बंधक बनाकर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रिजवी साहब आपने। एक सवाल यहाँ और उठता है रिजवी साहब, आईएसआईएस का नेचर नहीं लगता रिजवी साहब, एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि यदि एक साल होने को है और अभी तक उनका कोई ऑफिशियल स्टेटस सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही कि वो लापता है या उनके बंधक है, ये डिक्लेयर नहीं कर रही है, और एक चश्मदीद आकर के आपको इस बीच में ये कहता है कि उनकी मौत हो गई है, तो इसके पीछे सरकार के इनकार करने या सरकार के चश्मदीद की बात पे विश्वास नहीं करने का कोई वजह यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर कोई डिप्लोमेटिक वजह है तो वो हो सकती है, लेकिन क्या डिप्लोमेटिक वजह है जिसकी वजह से सुषमा स्वराज नहीं इस बात को इनकार कर रही है, क्योंकि इसमें सरकार कहीं से दोषी नहीं है। अपनी तरफ से सरकार ने वो पूरे प्रयास किए, जो 18,000 जो विदेशी जो अपने भारतीय वहां पे इराक में थे उनमें से 16,000 को करीब करीब वापस ले आया गया है यहाँ भारत अपने देश में, लेकिन अगर उसमें से एक दो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो इसमें सरकार का कोई दोष भी नहीं है, फिर आखिर क्यों सरकार इस बात को आधिकारिक रूप से मानने से इनकार कर रही है, ये समझ से परे है। सरकार के दोष की इसमें क्या बात है सर, भाई वहाँ लोग गए नौकरी करने के लिए, आईएस वहाँ एक खतरनाक संस्था है, उसने उन लोगों को बंधक बना लिया, इसमें सरकार की कोई बात नहीं फंसती। सरकार की खाली इतनी ही बात फंसती है कि ये देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ये वहाँ नौकरी करने गए हैं, अगर इन पर परेशानी कोई आती है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ला करके भारत के नागरिक होने के नाते उनके घर तक उनको पहुंचाए अगर वो कठिनाई में है, क्योंकि जो वीजा मिलता है उसका कारण ही यही रहता है, जो पासपोर्ट पे लिखा रहता है उसका यही रहता है कि भारत के नागरिक हैं और भारत सरकार पूरी सुरक्षा देगी, तो ये जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार की कि उनको जो है उनके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब भारत सरकार ये भी तो ठीक तरीके से नहीं बता रही, 8 सूत 6 सूत बता रही है जिंदा है, लेकिन भारत सरकार ये भी नहीं ठीक से बता पा रही अपनी एजेंसी के सहारे कि वो बंधक बना करके कहाँ रखे गए हैं, सामरा में रखे गए हैं, बगदाद में रखे गए हैं कि कर्बला में रखे गए, कौन से एरिया में रखे गए भाई जो आईएस और एक चीज और भी, अगर बंधक बनाया जाता है किसी को रिजवी साहब, यदि बंधक बनाया जाता है, मैं ज्योति जी आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को बंधक बनाया जाता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, या तो वो किसी चीज को चाहिए, उसको अपहरण करते हैं तो उसके लिए रैंसम की डिमांड करते हैं, या कोई और डिप्लोमेटिक चीज जो है उस चीज की डिमांड करते हैं, लेकिन उस तरह की कोई बात भी आईएसआईएस की तरफ से नहीं आई है, तो फिर ये यकीन नहीं करना चश्मदीद की बात पे, ये बिल्कुल लॉजिक से परे है थोड़ा सा। चलिए इस मसले पर पूर्व राजदूत अशोक सजनहार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित दुबे ने, आइए सुनते हैं। इस पर हम बात करते हैं हमारे साथ पूर्व राजदूत और हम ये भी कह सकते हैं सेक्रेटरी एनएफसीएच के अशोक सजनहार जी। सर, जिस तरह से सुषमा जी का बयान आया है क्या लगता है आपको? जी देखिए, इस बारे में कुछ यकीनन तौर से कहना तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि जो सुषमा जी ने भी कहा है वो उन्होंने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है, तो मतलब कोई 100% 100% ठोस और कन्फर्म्ड न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। और उन्होंने भी कहा है जो मेरे जो अपने 8 सूत्र हैं वहाँ से मुझे ये मालूम चला है, मुझे ज्ञात हुआ है। तो हमको ये देखना है कि जो वहाँ से भारतीय लौटे हैं, जिन्होंने कहा है जो सारे 39 हमारे जो बंधक वहाँ पर बनाए थे इस्लामिक स्टेट ने, तो वो अभी जिंदा है या उनको मार दिया गया है, तो मैं तो यकीनन जो सुषमा जी का बयान है उसी के साथ मैं जाऊंगा, उसी के साथ मैं चलूंगा। सूत्र की बात आपने कही है, आप चूंकि राजदूत भी रहे, किस आधार पे ये लोग अपने सूत्र तय करते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, सूत्र अब उसके बारे में हर जगह पर अलग सूत्र होते हैं, और ये कुछ सरकार में भी हो सकते हैं और कुछ सरकार के बाहर भी हो सकते हैं, जिनका कि ज़्यादा अच्छे उनकी नेटवर्किंग है, अच्छा इन्फ्लुएंस है, अच्छा प्रभाव है। तो जब ऐसा काम करना पड़ता है तो हर तरीके के सूत्रों की मदद लेनी पड़ती है। तो और सुषमा जी ने भी ये कोई सूत्र देने का के बारे में ज़्यादा उन्होंने भी व्याख्यान नहीं दिया, उन्होंने भी कोई कहा नहीं है। और मेरे विचार से इस बारे में इस वक्त पर जबकि स्थिति इतनी नाजुक है और वहां पर बंदी बनाया गया है, तो इसके बारे में इतना अधिक बात करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि न मालूम कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचना गलत तरीके से ली जाए और उनके जो हमारे बंदी बने हुए हैं जिनको रिहा के प्रयास जारी हैं उनके ऊपर, उनकी सेफ्टी पर, उनकी सुरक्षा पर कुछ आंच आ जाए।
ज्योति सिंधिया आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है, खुद जो मसीह है उसने बात कही है कि तीन जगह तीन महीने तक उसे रखा गया, उसके बाद उसे ये कहा गया कि उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसे प्रोटेक्शन की बात कही गई, लेकिन बाद में वही जो सरकार के जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहती हैं कि जो भी वो बयान दे रहे हैं उस पर सरकार को विश्वास नहीं है। एक तरफ तो पूछताछ होती है, दूसरी तरफ उसी के बयान से मुकर जाती है सरकार। मैं भी वही बात कह रहा हूं जी कि जो सुषमा जी कह रही हैं, मैं विश्वास करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विश्वास करना चाहती है, इस देश का 125 करोड़ जनता विश्वास करना चाहती है कि वो जितने लोग हैं वो जिंदा होंगे और वापस आएंगे। सवाल विश्वास और जो चाहत है वो ये है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर 11 महीने तक, जैसा कि आपने अभी व्याख्यान किया कि तीन महीने तक उनको यहाँ वहां से रखा, तो कोई भी कनेक्टिविटी, और मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक जो रास्ते होते हैं और तरीके होते हैं उसमें सूत्र नहीं भी बताए जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से खतरे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम कभी और भी होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर गोल 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 क्यों घूम रही है, क्यों नहीं कुछ बात स्पष्ट बोलती है, क्यों नहीं उसके परिवार के लोगों को स्पष्ट बताना चाहती है, क्या बोल रही है? आज 11 महीने में भी फिर वही बात कर रहे हैं आप। आपका इस पर क्या एक्शन है? आपका जो भी लॉ है या आपका जो खुफिया एजेंसी है, आप उसको कनेक्टिविटी कहां क्यों नहीं हो पा रही है? मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो 8 सोर्स अभी नहीं खुलासा किया जा रहा है, मेरे ख्याल से सोर्स कोई खुलासा भी नहीं करता, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें आईबी की भी खबर होगी, जो वहां पे अपना जो दूतावास है, उस दूतावास का अपना एक लोकल लिंक्स होते हैं उनके, उस लिंक्स के जरिए भी है, उसके बाद कुछ लोग जो है बाहर से भी, जो इंटरपोल की भी मदद ली जाती है। तो ये सोर्सेज है जो आपके पास, जो जानकारी में इन सोर्सेज के साथ जो है आपके पास इंफॉर्मेशन आते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी आपने उठाई कि उनके परिवार वालों को क्या कहा जा रहा है, श्याम जाजू भी बोल रहे थे, हालांकि आवाज साफ तरीके से नहीं आ रही थी, लेकिन जितना सुन पाया हूं उसके मुताबिक उनके परिवार वालों से संपर्क में है सरकार और परिवार वाले सरकार के स्टैंड से खुश हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर अगर जो दावा मसीह की तरफ से किया जा रहा है कि उनकी आंखों के सामने गोली मारी गई, तो वो अगर झूठ बोल रहा है तो वो क्यों झूठ बोल रहा है? इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर मसीह क्यों झूठ बोल रहा है। केवल हम ये राजनीतिक रूप से आप जरूर कह रहे हैं कि साफ करे सरकार, साफ करे सरकार, लेकिन आखिर मसीह क्यों झूठ बोल रहा है? अगर सुषमा स्वराज के बयान से, सुषमा स्वराज का बयान मसीह के बयान से अलग है, तो मसीह का बयान भी सुषमा स्वराज के बयान से अलग है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, हम लोग नहीं कह सकते। और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि मसीह क्यों अगर बोल रहा है, अगर मसीह की बात पे सरकार को यकीन नहीं है तो क्या सरकार ने इस बात की तफ्तीश कराई है कि मसीह झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है? श्याम जाजू जी से पूछना चाहेंगे। श्याम जाजू जी, आपके विदेश मंत्री जो कह रही है, अगर उस बात पे यकीन करें, और हम सब यकीन करना चाहते हैं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो बोल रही है वो उनकी बात सच हो, तो आखिर मसीह जो बोल रहा है और वो सुषमा स्वराज के बयान से बिल्कुल उलट बोल रहा है, तो क्या सरकार ने मसीह के बयान को इंटरग्रेट करने की कोशिश की है, सच्चाई जानने की कोशिश की है कि मसीह अगर गलत बोल रहा है सरकार के हिसाब से तो क्यों बोल रहा है? सुषमा जी के बयान की एक विशेषता है जी, उन्होंने कहा है कि 8 सूत्रों के आधार पर मेरे पास जानकारी है कि ये लोग जीवित है। जब सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबल प्रतिनिधि ऐसी बात करता है तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। कोई एक मसीह नाम का आदमी कुछ बयान दे रहा है उस पर आधारित हम अपना तुरंत बयान नहीं, श्याम जाजू ये कोई मसीह नहीं है, और हमें श्याम जाजू ये कोई मसीह नहीं है, ये इराक में नहीं था, क्या ये इराक से नहीं आया है, क्या ये इराक से नहीं आया है, क्या ये इराक से नहीं आया है? कुछ बातें स्पष्ट कर सकते हैं, कुछ बातें डायरेक्टली बोली जाती है, कुछ डायरेक्टली नहीं। लेकिन श्याम जाजू जी, आप ये तो मानते हैं ना कि ये वही मसीह है जिसे भारत से जब उसे लाया गया था, जीवित है, तीन जगह रखा गया था और उसे पूछताछ की गई थी। श्याम जाजू जी, यहाँ हम जिस तरीके से हल्के से नहीं ले सकते मसीह के बयान को, क्योंकि मसीह उन 40 भारतीयों में से एक था जिसे बंधक बनाया गया था, और वो उन 40 लोगों के जो अभी लापता है, जिनका स्टेटस अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उनके साथ इनको वहां से अगवा किया गया था, कब, जहां पर गोली मारने की बात ये कह रहे हैं वहां तक ये साथ थे, और इनके पैर में भी गोली लगी है, इसलिए इनकी बात को ये चश्मदीद अपने आप को बता रहे। तो क्या सरकार जिस तरह के आप कह रहे हैं कोई मसीह, तो क्या वो सही में उसकी बात को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है? सरकार के पास 8 सूत्रों के हवाले सरकार ने जानकारी दी है, सभी सूत्र इंटरनेशनल राजनीति के संकेत के अनुसार एक्सपोज नहीं किए जाते। केवल एक चश्मदीद गवाह अपने को खुद को साबित कर रहा है, इसका मतलब हम उस पर भरोसा रखें और देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं रखें, ये कोई उन पर न्याय नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपकी बात भी लगा, हमारे साथ कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी जुड़ गए हैं,
हमारे साथ कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। प्रमोद तिवारी जी, स्वागत है वंदे मातरम में आपका। प्रमोद जी, जिस तरीके से बयानों के बीच में विरोधाभास दिख रहा है, एक तरफ सुषमा स्वराज कह रही हैं कि जो बंधक बनाए 39 भारतीय हैं वो सुरक्षित हैं, और दूसरी तरफ मसीह जो कि अपने आप को चश्मदीद बताते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई 39 भारतीयों को, किस बात को आप सच मानेंगे, और अगर सच मानेंगे तो किस आधार पर सच मानेंगे? हाँ, देखिए, ये प्रश्न मैंने ही राज्यसभा में उठाया था और मैंने ही प्रश्न किया था सुषमा स्वराज जी से। मैंने यही प्रश्न किया था कि मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ इंजर्ड विटनेस है और वो कह रहा है मुखबिर होगी है जी, और दूसरी तरफ आप स्रोत तक डिस्क्लोज करने को सदन में तैयार नहीं है जी। उस पर सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि मैं सब यहाँ पर उसे तो नहीं बयान कर सकती क्योंकि सीक्रेसी है और कुछ कमिटमेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अब मैंने जब ये प्रश्न उठाया था उसको आज 4 महीने हो गए, 3-4 महीने जी। मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी आशंका निर्मूल साबित हो जी। मैं गलत साबित हो जाऊँ, सुषमा जी सही साबित हो जाएं, अन्यथा जितने सरकमस्टांसेस हैं, जितने सारी चीजें जो इशारा कर रही हैं, वो इशारा कर रही हैं इस बात की ओर कि स्थिति हम कोई बहुत बड़ी अच्छी शुभ सूचना की उम्मीद नहीं कर रहे। उस सवाल का जनक मैं ही हूँ, मैंने ही ये प्रश्न उठाया था। बिल्कुल राज्यसभा में आपने ये प्रश्न उठाया था, ये सबको पता है, और आज इसी बात पे चर्चा हो रही है, आपने सबसे पहले इसको राज्यसभा में उठाया था। एक सवाल प्रमोद जी आपसे ये भी है कि क्या जिस तरीके से सरकार कह रही है कि वो 39 भारतीय जो कि लापता है अभी, उनके परिवार वालों से वो संपर्क में है और सांत्वना दे रही है, क्या कांग्रेस भी उनके परिवार के संपर्क में या उनके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की है? देखिए, कांग्रेस के जो उस समय लोग थे उन्होंने यही बताया था, उनके पारिवारिक जन बहुत परेशान है, पर एक तरीके से सरकार ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था। सुषमा जी ने जवाब देते हुए मुझे कहा था, तिवारी जी मेरे पास कोई आधार ऐसा नहीं जो मैं यहाँ डिस्क्लोज कर सकूं, जो है मैं उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती, एक ही रास्ता है, या तो मैं उन्हें मरा मान लूं या जो स्रोत कह रहे हैं मैं उस आशा मानू। अब इसके बाद क्या जवाब आप दे सकते हैं, क्या प्रश्न कर सकते हैं आप जी? जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई कारण नहीं उनको अविश्वास करने का, इधर से मैं कह रहा हूँ कि मसीह के बयान और बांग्लादेशियों के बयान का अविश्वास करने का कारण क्या है मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, और सरकार कोई कारण नहीं बता पा रही है, जिस स्रोत पर निर्भर कर रहे उस स्रोत को डिस्क्लोज करने को नहीं तैयार है, तो ये एनीबॉडी गेस, कोई भी अपनी इस पे अंदाजा लगाए। मैं ये कह सकता हूँ, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, सुषमा जी सही साबित हो जाएं और वो सारे 39 के 39 लोग जी। चलिए, शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी जी, एक और बड़ा खुलासा मसीह ने किया है कि वहां पर लगभग 50 जो नागरिक थे वो बांग्लादेशी थे और 40 जो थे वो भारतीय नागरिक थे। ऐसे में ये भी उसने खुलासा किया है कि जिस दौरान उन्हें किडनैप किया गया उसमें भारतीयों को अलग कर दिया गया और बांग्लादेशियों को अलग कर दिया गया और भारतीयों को अलग ले जाया गया। उसने ये बात कही है कि बांग्लादेशियों को नहीं मारा गया। स्थिति क्या मायने, इसके क्या मायने निकाले जाए कि भारतीयों की जो सुरक्षा है वो कितनी बदतर है, कितनी बद से बदतर है इराक में? देखिए, इराक के अंदर जो भारतीय जाते हैं वो वहां पर हिंदी बोलते हैं, क्योंकि मैं भी इराक 2 बार गया हूँ, ज़ियारत पर 98 में और 2011 में। तो इराक में जो ये बगदाद का इलाका है, सामरा का इलाका है और काजमैन का इलाका है, इस एरिया में आईएस जो है वो बहुत सख्ती से जो है वहाँ रहते हैं, बहुत दिन से रहते हैं, और ये अबू बकर अल बगदादी जो है ये अपने को खलीफा कहलाता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हुकूमत है, इसने उन हुकूमतों ने इसको खलीफा नहीं माना। बिल्कुल रिजवी जी, यही ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि मसीह ने जी बिल्कुल रिजवी जी ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि खुद मसीह ने बात कही कि उनसे पूछा जा रहा है आप हिंदू हो या मुस्लिम हो।
ये नहीं कर रहे हैं कि हिंदू को मारेंगे या मुसलमान को मारेंगे, उनका तो बस खाली खाली ये है कि दहशत फैलाना है और बताना है इराक की गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा है कि देखिए हम लोग जो है वो जिहाद कर रहे हैं और जिहाद में जो भी सामने मेरे आएगा हम उसको मारेंगे। ये कहीं कुछ नहीं कि बांग्लादेशी ने मारे, बहुत से मुसलमानों को मारा है उन लोगों ने, तारीख में आया है, उनके नाम आए हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने मारा है। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आती कि बांग्लादेशियों को छोड़ देना और वहां जो है वो भारत के नागरिकों के साथ अन्याय करना। अब देखिए जो भारत की सरकार है वो सरकार इन 39 लोगों को, हमें लगता है कि वो जिंदा तो ठीक है, अब जब कहीं ये बताएगी कि ये इनको मार डाला गया है तो बात आएगी, अगर मार डाला गया है तो इनकी बाजी लाई जाए, सरकार इनकी बाजी लाए तो सरकार फिर बाजी के लिए कोशिश करेगी, और अगर नहीं मारा गया है तो अल्लाह करे कि ना मारा गया हो, क्योंकि जो वो परिवार 39 परिवार जो पंजाब का और डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट के लोग हैं, वो आप समझिए उनके माँ बाप के, उनके घर वालों के दिलों में घुस के पूछिए कि उनकी क्या हालत है। जून से आज तक वो ठीक से ना सो पाए हैं, ना ठीक से बैठ पाए हैं अपने बच्चों की याद में, अपने बुजुर्गों की याद में। अगर उनको पता चल जाता कि हमारे बुजुर्ग अब दुनिया में नहीं है तो उनके खैर और मकसद के लिए वो दुआ करते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि उनके बुजुर्ग दुनिया में है तो वो खुशी मनाते हैं। कल काबुल में होटल पे हमला करके हमारे राजदूत जो है वहाँ आलोक सेना वो बाल बाल बचे हैं तो वहाँ भी खतरा। बिल्कुल श्याम जी, कहने को ये कहा जा सकता है कि जो भारतीयों की सुरक्षा है विदेशों में वो राम भरोसे है। इस देश में कोई भी इस प्रकार का आरोप करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब से मोदी जी ने कमान संभाली है पूरे वर्ल्ड के भारतीयों को एक अभिमान है और सुरक्षितता का एहसास है कि कोई तो भी हमारी सुन लेने वाला आज हिंदुस्तान में राज कर रहा है। कितने हजारों लोगों को हमने बचा के लाया है, यवन से कितने लोगों को लाया है और हमारे भारतीयों को तो लाया ही लाया। श्याम जी यहाँ पर बात 40 भारतीयों की हो रही है। श्याम जी मेरे ख्याल से ज्योति जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये संवेदनशील सरकार है, हजारों लोगों को हमने लाया है, कोई 39 लोगों का इश्यू बनाकर कोई सरकार पर दोषारोप करेगा तो वो कोई विश्वासार्ह बात नहीं होगी, ये सरकार से न्याय भी नहीं होगा। बिल्कुल, यमन को भारतीयों को लाए हैं श्याम जी, मानते हैं उस बात को। बात यहाँ पर 39 भारतीयों की हो रही है जो कि इराक में फंसे हुए, उनको जीवित है नहीं इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, ज्योति सिंह जी कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 39 भारतीय, अब आप दूसरे की बात सुने, भारतीय जनता पार्टी के श्याम जी आप दूसरे की बात सुने, आप दूसरे की बात सुने श्याम जी, ज्योति जी को सुन लेते हैं, श्याम जी बात सुने, ये मानेगा फिर आप बोलेंगे तो फिर मैं भी टोकूंगा आपको। ज्योति जी बिल्कुल, आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही है कि सबको स्वाभिमान है, सबको बहुत घमंड है कि हमारे मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश में ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं आप। आज आप चीन में गए हैं और आपके वहां एक टीवी में दिखाता है अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करके दिखाता है और आप इस मुद्दे पर एक लाइन प्रधानमंत्री ने वहां जाकर कोई बात नहीं की। आप किस बात की करते हैं, अभी पिछले बार भी आप पिछले बार भी आप पाकिस्तान गए, पिछले बार आप सुने जब आप चीन रहे हैं तो टोटल $30 बिलियन का आपने बिजनेस किया है और कांग्रेस के फॉरेन पॉलिसी पर उन्हें बात किया था तो मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी और मोदी वहां जाकर भारत देश को बोलते हैं कि स्कैम का देश है, भारत का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, क्या स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं आप, इसका जवाब दें आप। जहां तक ये मुद्दा श्याम जी ज्योति जी जवाब सुन लीजिए, कांग्रेस वालों के बयान पूरे देश ने देखे हैं, कांग्रेस को अब बात करके कोई नहीं निकलेगा, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे लोगों ने अपना मत साबित कर दिया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना नहीं हो सकती। भारत की जनता ने जो अपना मत साबित किया है क्योंकि आप लोगों ने झूठ बोलकर यहाँ के आम भोले जनता को गुमराह करके इस सरकार में आए हैं, ये आप ना बोलें, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी ये है कि आप झूठ बोलने में और झूठ बोलने में नंबर वन है, आप लोगों को गुमराह करने में नंबर वन है, राजनीतिक रूप केवल और देश को बाहर के देशों में बदनाम। फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो सांसद है भगवंत मान, उनका क्या कुछ कहना है इस पर वो सुन लेते हैं। पहले सच्चाई क्या है सुषमा जी, ये बता दें, जितनी बार भी हम मिले हैं परिवारों को साथ लेकर भी मिले हैं, पार्लियामेंट में भी बातचीत होती रही, पार्लियामेंट में सवाल भी उठाते रहे, उनका एक ही जवाब होता है वो सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं, दुआ करो। और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि उनसे का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि जिनकी सरकार है उनका कंट्रोल नहीं है, जिनका कंट्रोल है वहां पे मोसल एरिया में उनकी सरकार नहीं है। तो फिर परिवार वाले ये कहते थे जी अगर वो सेफ हैं सुरक्षित हैं तो हम जल्दबाजी नहीं कर रहे कि उनको जल्दी घर वापस बुलाओ,
आप 6 महीने के बाद ले आना, 1 साल के बाद ले आना, लेकिन हमारी बात बात तो करवा दो ना किसी न किसी से। किसी मेंबर से बात भी नहीं करवाई गई। इस हरजीत मसीह को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? इसके तो प्यारे थे, वो सबका लाडला था, ये सबसे छोटा था। हमने इराक से बहुत से लड़कों को यहाँ वापस आने में मदद की थी। तो हरजीत के इलाके के कुछ लड़के थे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के, जो हमारी वजह से आए थे यहाँ पे बच के, तो उन्होंने संपर्क किया मेरे साथ कि हम हरजीत मसीह को मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सच बता दूँ। तो मैंने मीडिया को बुला के आपके सामने कर दिया उसने सारी। बिल्कुल शांत जी, आपके पास आना चाहूंगी, वक्त की बेहद कमी है, शॉर्ट में आंसर आपसे चाहूंगी। जैसा कि भगवंत मान कह रहे थे कि ठीक है, मान लेते हैं सरकार की बात कि सुरक्षित है वो 39 भारतीय, जैसा कि वो कह रहे हैं, और जैसा कि सुषमा स्वराज के जो 8 स्रोत हैं वो कह रहे हैं, लेकिन फिर बात तो करवाएं, हमें इतना तो आश्वासन हो कि हाँ वो सही है, जीवित है, बात तो करवाएं। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ जीवित है तो बात करवाएं। मीडिया में टीवी पर बोलना बड़ा आसान है जी। अगर बात करना संभव होता तो सरकार का क्या इंटरेस्ट है कि उनकी बात ना कराए जी। जब तक कोई आदमी मृत घोषित नहीं होता, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार उसको मृत घोषित नहीं कर सकती। केवल इनके इंफॉर्मेशन के आधार पे या 1 साल में संपर्क नहीं हो रहा है तो अभी वो मृत घोषित कर दो, ये कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार कर नहीं सकती। सरकार बड़ी सतर्क है, सरकार अलर्ट है, सरकार को चिंता है, हर आदमी की चिंता है, उनके परिवार वालों की चिंता है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार के विदेश मंत्री जो बयान देना चाहते हैं वही बयान सुषमा जी ने दिया है। केवल आरोप प्रत्यारोप करना और सवाल पूछना तो बड़ा आसान काम होता है, पर जब तक एक सरकार आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि मृत घोषित नहीं किया जा सकता। श्याम जाजू जी, अभी तक वो लोग श्याम जाजू जी, सरकार की अपनी मजबूरी है, मृत घोषित नहीं कर सकती है, सही बात आपने कहा, लेकिन स्टेटस तो डिक्लेयर कर सकती है कि लापता है। स्टेटस जो बार बार दिया जा रहा है कि सुरक्षित है, इस पे आपत्ति है लोगों को कि आप लापता भी नहीं कह रहे, आप कह रहे सुरक्षित है। सुरक्षित है तो कहाँ है, लोग तो जानना चाहेंगे ना। बिल्कुल। खैर, हमारे पास समय कमी है, हम ज्योति जी से भी जानना चाहेंगे आखिरी प्रतिक्रिया। जी बताए, आखिरी कमेंट क्या? हमारे पास समय की बहुत कमी है। मैं शुद्ध रूप से इनसे भारतीय जनता पार्टी से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। सवाल का ये नहीं, आप कंक्लूड कीजिए अपने आप को। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, भारत की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने देश के लोगों के लिए सेंसिटिव नहीं है। चाहे वो विदेश यात्रा की बात हो, बिजनेस की बात हो, चाहे कोई भी मुद्दा ले, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है भारतीय। मैं चाहता हूं कि जो हरजीत मसीह जो बात बोला है वो गलत हो, और सुषमा स्वराज जी बोली है वो बिल्कुल सही हो। हम लोग सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सारे लोग सुरक्षित यहां आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां के 125 करोड़ जनता को गुमराह करने का कोशिश ना करे। जो है वो सही सही यहाँ के भोले भाले जनता को बताएं, ये इलेक्शन नहीं है जहां आपको वोट मिलेगा ये बात गुमराह करके। इसलिए आप सही स्टेटस दें और ये जनता को गुमराह ना करें। बिल्कुल, तो सही स्टेटस दें, ये बात कही जा रही है, और देश की जनता भी ये कह रही है कि सही सही जो जानकारी है वो सरकार इस देश में लाए। चलिए, शुक्रिया श्याम जाजू जी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय सचिव थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में। ज्योति सिंह जी, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ रजा रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर उन जो 39 भारतीयों की जान का सवाल है यहां पर, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जनता यही अब जवाब मांग रही है इस देश की सरकार से कि जल्द से जल्द, अगर वो कह रही है कि सुरक्षित है 39 भारतीय, तो जल्द से जल्द उन 39 भारतीयों को सही सलामत सुरक्षित इस देश में वापस लाया जाए। लेकिन एक बात तो साफ है, यहां पर राजनीति ना की जाए। फिलहाल वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। नमस्कार। अच्छा हुआ मोदी जी की नजर अब तक व्हाट्सएप पर नहीं पड़ी है, वरना इसका भी नाम बदल कर रख देते, जनधन निशुल्क गपशप योजना। बैरा, अरे अरे बाबूजी, आप ये चम्मच किससे पूछ कर ले रहे हैं? दयानंद, डॉक्टर के हुकुम से। बैरा, क्या मतलब? जेब से दवा की शीशी निकाल कर दिखाते हुए दयानंद ने कहा, देखो दवा की इस शीशी पर लिखा है, खाना खाने के बाद 2 चम्मच जरूर ले ले।